हाय फ्रेंड, हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम चिकन बनाने जा रहे हैं। तो हम प्याज को अच्छे से काट लिए हैं, हम रेडी कर चुके हैं प्याज को। और ये बचा हुआ है, इसे भी हम काटेंगे। चावल मेरा बन चुका है, चावल सुबह ही बना लिए थे। चावल रेडी हो चुका है और उसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे और हम बनाएंगे। और ये मेरा चिकन है, चिकन को हम धो देंगे तो अच्छी तरह से। इसे हम साइड कर देंगे। तो ये अच्छे से धोआ गया। तो इसे हम हीट होने दे दिए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा प्याज जो बचा हुआ था उसको हम काट लेते हैं। गरम रणवीर हेल्प कर रहा है। इसके बाद ऑयल डालेंगे। ज्यादा तो नहीं है, कम ही है। इसमें हम अदरक डालेंगे। तो ये रेड हो जाएगा, उसके बाद हम चिकन को डालेंगे। थोड़ा सा हम लहसुन पीस लेते हैं। इधर मसाला अच्छा से फ्राई हो रहा है। उसके बाद फ्राई हो जाएगा, उसके बाद दीदी मछली इसमें डालेगी पानी डाल के। हो चुका है तो इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं, मिर्ची है, कमी डालेंगे, तीखा हो जाएगा तो बच्चे लोग नहीं खाएंगे। ये धनिया पाउडर है, ये पिसा हुआ लहसुन है, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे अच्छे से।
गरम मसाला है तो इसे 5 मिनट बाद डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। इसमें हल्का सा हम पानी डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं। फिर इसे और 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। तो ये लग रहा हो चुका है, बस और हम 2 मिनट छोड़ देंगे। अब मैं गरम मसाला डाल देते हैं। तो ये मेरा चिकन रेडी हो चुका है। और इसे ढक देते हैं। तो मेरा चिकन रेडी हो चुका है।